ahora si no existe ni la gente. एक सवाल है वो मुझे नहीं मालूम कि वो इसमें मुझसे क्या चाह रहे हैं। इन साहब ने ईमेल के जरिए से सवाल अपना भेजा है कि इन द बुक फजले अनवर इलाही बाय हजरत फजल शाह साहब सीरीज पेज 86 तरीकत के कॉल की इब्तदा नून से है, हकीकत के कॉल की इब्तदा अलिफ से है और मार्फत के कॉल की इब्तदा बे से है। इसके बाद इन्होंने कुछ लिखा नहीं कि इसके बारे में क्या चाह रही हैं। अगर ये फजल शाह साहब वही हैं जो नूर वाले के नाम से मशहूर थे तो इस बात को आप आंखें बंद करके यकीन कर लीजिए वो दुरुस्त है। इसलिए कि इन साहब से मेरी ज़िंदगी में एक ही मुलाकात हुई और ये दुनिया में तीसरे आदमी थे जिन्होंने मेरी इस राह की खबर मुझे दी थी। ये इल्म में काफ़ी आगे और हिकमत में भी बहुत आगे थे। अब अगर तो इन्होंने इसलिए लिखा कि मैं इसकी वजाहत कर दूं तो साहब मैं इससे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जिन दिनों यहाँ हरूफ मुख्तार की बात हो रही थी और मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये कायनात की कुंजी है और पूरी कायनात में इन्हीं अल्फाज से सिस्टम ऑपरेट करता है, इतना तो मैंने अर्ज़ कर दिया था। लेकिन ये बात बहुत आगे की है जो फजल शाह साहब ने अपनी किताब में लिखी। इतना मैं अर्ज कर दूं कि हरूफ मक्तात में हरफ नून बहुत पावरफुल कहलाता है। इसकी इसका ताल्लुक जबर से और शिद्दत से है, जबकि इसके मुकाबले पर स्वाद ये भी हरूफ मक्तात में से एक हरफ है। इसका ताल्लुक प्योरली रूहानियत से है और बड़ी शिद्दत की रूहानियत इसमें है। इसी तरह अलफ जलाली है जो उसका ताल्लुक बड़ा रास्ता और ताला के साथ है। ये ऐसी बात तो मैं अर्ज कर सकता हूँ लेकिन इसकी गहराई में मैं नहीं जा सकता, इसको मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर मकसद ये था कि मैं इसकी वजाहत कर दूँ तो ये वजाहत नहीं कर पाऊंगा। दूसरा सवाल ये तो गवर्नमेंट हमने इसको डिस्कस कर लिया था, जियोलॉजिकल साइंस प्रूव दिए that about millions of years period the people of magnetic field abruptly change opposite, means north pole change to south pole and when reverse south replaced by, but science failed to prove it, the reason why it reverses. इन साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बराए करम इस सवाल को जरा वाजे कर दें
सवालबाजी नहीं है, जो ही इसकी वजाहत मेरे पास आती है थोड़ा एलेबोरेट करके ये सवाल अगर इन्होंने कर दिया तो इसका मैं जवाब अर्ज कर दूंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंसानी जिंदगी को ये किस तरह इफेक्ट करता है, फिर जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल नॉर्थ पोल से जरा सा हटके है 50 डिग्रीज, और जो रूहानी नॉर्थ पोल है वो इन दोनों से जरा थोड़ा सा हटके है। ये मैं इसको वादे कर दूंगा अगर ये सवाल मेरे सामने पूरी तरह आ गया और इसको मैं समझ पाया कि सवाल क्या है, मैं वो बयान कर दूंगा। सवाल है जनाब हजरत अहमद रज़ा रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इराक में है, इनके मज़ार के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो बयान करें, फिर उनके नाम में मैं वाकिफ नहीं इन बुजुर्ग से अहमद रज़ा रब्बानी साहब, इनके बारे में ना तो आज तक मैंने कहीं पढ़ा ना सुना ना किसी और जरिए से इत्तला मेरे तक आई है, या तो नाम में फर्क है किनका कह रहे हैं, अगर कहीं इनके जहन में हजरत इमाम रजा की बात है तो एक मारूफ चीज है कि आपका मजार मुबारक मशहद में है और जनाब हजरत इमाम रजा रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में मैं ये अर्ज कर दूँ कि रूहानी तौर पर बहुत पावरफुल आदमी हैं, आपके तसल्लुफात इंतहाई वसी हैं और अल्लाह ने मुझे ये सआदत बख्शी के मैं हजरत इमाम रजा रहमतुल्लाह अलैह साहब के मदार पे हाजिरी दे दूँ। आपके तसर्रुफात का कुछ तजर्बा भी हुआ, उनको एंजॉय भी किया मैंने ज़ाती तौर पे, बड़ी हस्ती है। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती ये हो गई है कि हमने फ़िरका बंदी कर ली और जमात बंदी कर ली, नतीजा ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग बुजुर्गों से भी दूर हो जाते हैं कि वो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के चहेते हैं या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट उनसे ज़्यादा अकीदत रखता है, बिना सोचे समझे कि हम कर क्या रहे हैं। और ये सिर्फ एक फिरके पर नहीं, सभी यही कुछ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उनकी औलाद से हैं और उस नस्बत से हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे कोई फिरका इनसे कैसी अकीदत रखता हो हमारे लिए बहरहाल काबिल एहतराम होती हैं, और इन लोगों की कमालात और इनके तसर्रुफात कुछ मुझे ज़ाती तौर पर देखने का मौका मिला, बल्कि यूँ कि ये इन्जॉय करने का मौका मिला, और वहाँ हैरत होती है कि ये लोग कितने किस किस मकाम पर थे और कितने पावरफुल लोग थे। यहीं पर शायद किसी वक्त मैंने एक अर्ज की थी कि एक उम्र के दौरान में मैदान उस मैदान में गया जहाँ खंदक की जंग खंदक लड़ी गई थी, गज़वाए खंदक प्रोग्राम, तो अकीदतन मैं
उन जगहों पे जाना चाहता था जहाँ साहब इकराम ने कमांड की थी जिस पॉइंट से, तो पता चला कि सऊदी हुकूमत ने उन जगहों पे मस्जिदें बना दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जंगी सलाहियत का इजहार किया था उस जंग में, और अपनी मुख्तसर सी फौज को इस तरकीब से वहाँ लगाया था कि दुश्मन कई रोज तक वहाँ पड़ा रहने के बावजूद उसका कोई बस नहीं चल पाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को 7 हिस्सों में तकसीम किया था और 7 अलम मुख्तलिफ साहब इकराम को दिए थे। तो जहाँ जहाँ जिस जिस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमांड पोस्ट थी, उस कमांड पोस्ट की जगह पर अब मस्जिद तामीर हो गई है, और उस मस्जिद का नाम उन्हीं सहाबी के नाम पर है। एक सऊदी था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर मेरा, और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था वो। तो जब मैं उस जगह पहुंचा जहाँ हज़रत अली करमल्लाह वजहू की कमांड पोस्ट थी, तो वहाँ मस्जिद है, मस्जिद अली कहलाती है। मैं उसमें 2 नफल पढ़ के बाहर निकला, गाड़ी में आके बैठा, तो उस ड्राइवर सऊदी ड्राइवर ने मुझे कहा कि बीबी साहिबा, रूहानी तसर्रुफ ऐसा था। और ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो लोग ताल्लुक रखते हैं, रूहानी तसर्रुफ और रूहानियत की तो कोई बात होती नहीं। उन्होंने कहा कि बीबी साहिबा इतनी पावरफुल थी कि जिस गजवा में भी बीबी साहिबा तशरीफ ले गई हज़रत अली करमल्लाह वजहू के साथ, उस जंग में दुश्मन तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। ये सही जो सही लफ्ज उसने इस्तेमाल किया वो बर्बादी का था, कि उसमें दुश्मन बर्बाद हो गया। तो चूंकि मुझे हैरत हुई कि एक सऊदी ये बात कह रहा है, तो मैंने उसे पूछा कि हाउ कैन यू से दैट। तो उसने मुझे एग्जाम्पल्स कोट की, फलां जगह में बीबी साहिबा हज़रत अली करमल्लाह वजहू के साथ थी। तो उसने जो बात बताई वो मेरे लिए वैसे नहीं थी, आपके लिए शायद ना हो, लेकिन मेरे लिए वो नहीं थी कि जंग खंदक में बीबी साहिबा हज़रत अली करमल्लाह वजहू के साथ थी। तो उसने कहा कि इस जंग में भी दुश्मन बर्बाद होके गया था यहाँ से। बीबी साहिबा जिस मकाम पर हैं, आपका एक मकाम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीज साहबजादी, दूसरा ये कि हज़रत अली करमल्लाह वजहू जैसी शख्सियत की ज़ौजा मुहतरमा हैं, तीसरा एजाज बीबी साहिबा का ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जैसी हस्ती उनकी वालदा मुहतरमा हैं, और चौथा एजाज ये कि खातून अव्वल हैं जन्नत की। लेकिन हम एहतियात नहीं करते बीबी साहिबा का नाम लेते वक्त, हम बेअदबी का मुर्तकिब हो जाते हैं कि बीबी साहिबा का जो असल नाम है इसमें ज़ात कहते हैं वो हम लेते हैं, और उसके आगे और पीछे कोई एहतराम का लफ्ज़ भी नहीं लगाते, ये बेअदबी है। ये शख्सियतें ऐसी हैं कि जितना भी इनका एहतराम किया जाए वो कम है। मैं खुद इसलिए बीबी साहिबा का नाम मुबारक कभी जुबान पे नहीं लाता,
कि मुझे खदशा ये है कि मेरी ज़बान इस लायक नहीं कि इस ज़बान पर बीबी साहबा जैसी हस्ती का नाम मुबारक आ जाए। तो बीबी साहबा कहना ही सेफ है कि उसमें कहीं गुस्ताखी का पहलू नहीं निकलता। तो हजरत इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी खानदान के फर्द हैं और अल्लाह ताला ने इन पर अपनी खास रहमतें नाज़िल फरमाई हैं कि ये इल्म में बहुत आगे थे। कल कहीं जिक्र हो रहा था कि हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम मालिक, इमाम शाफई, ये सब जिक्र हो रहा था किसी महफिल में। तो वहाँ एक साहब पढ़े लिखे मौजूद थे, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये इमाम है तो फिर हजरत इमाम जाफर सादिक को हम इमाम क्यों नहीं मानते, और जो हजरत इमाम जाफर सादिक को इमाम मानते हैं वो इन्हें इमाम क्यों नहीं मानते। तो मेरा जवाब उनको यही था कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने इख्तलाफात में इतने आगे चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कौन किस इज्जत का हकदार है। और इसी वजह से जो स्कूल ऑफ थॉट इन्हें इमाम मानता है, इमाम रज़ा, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, वो उन आयमा कराम को मानने को तैयार नहीं है। और जो इन आयमा कराम को मानता है वो इन्हें इमाम मानने को तैयार नहीं है। गुस्ताखी दोनों ही कर रहे हैं। आयमा कराम जो हैं, जो एक स्कूल ऑफ थॉट में इमाम कहलाते हैं, मैं भी उन्हीं को इमाम कहता हूँ, ये भी इल्म फिका और इल्म हदीस, इल्म तफसीर में यकता थे, अपने अपनी जगह पर यकता थे। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे औलाद को देखा जाए तो ये अपनी जगह पर यकता है। फर्क सिर्फ इन दोनों में ये है कि जो हजरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं इनको एक एडवांटेज ये मिला के इनके पास ये इल्म लुदनी जेनेटिकली भी आया। और दूसरा आयमा कराम जो जिन्होंने बहुत ही आला तरीन मकाम हासिल किया इल्म फिका, इल्म हदीस, इल्म शरीयत में, उन्होंने मेहनत करके कमाया। यही वजह है कि इमाम आज़म जनाब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब एक मज़्ज़ूब के पास जाके उनकी शागिर्दी करते थे। बहुत मशहूर वली अल्लाह गुजरे हैं जो ज्यादातर हालत जज्ब में रहते थे। उनका यहाँ एक बार पहले भी जिक्र मैंने किया था, जनाब हजरत बहलोल खलीफा हारून रशीद के जमाने में गुजरे हैं, वलायत के बहुत आला मकाम पर फाइज थे, लेकिन मजबूबियत की तरफ चले गए, इसीलिए इनको वो शोहरत नसीब ना हुई जो दूसरे लोगों को हुई। तो हजरत इमाम हनीफा
के उस्तादों में जनाब बहलोल साहब का भी नाम शामिल है, क्योंकि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बहुत लोगों से इस्तफादा किया है इल्म का, उनके असातिज़ा की फहरिस्त लंबी है, उसी में हजरत बहलोल का नाम भी है और वो मजजूब थे। तो वजह ये हो गई कि जो इल्म अल्लाह है, अल्लाह से जान पहचान का इल्म है, अल्लाह को पहचानने का इल्म है, उसको हासिल करने के लिए हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसी शख्सियत को बहलोल के पास जाना पड़ा कि वो अल्लाह की पहचान का इल्म दे सकता था वो बंदा। लेकिन ये जो इमाम है दूसरे, इनको जेनेटिकली ट्रांसफर हो गया, तो थोड़ी सी मेहनत के बाद ये उसे पॉलिश कर लेते रहे। अगर इन्होंने जिक्र जनाब हजरत अहमद जनाब हजरत इमाम रजा रहमतुल्लाह अलैह साहब का किया है तो उनका मजार मशहद में है, बाकी अगर ये कोई और साहब हैं तो मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ और मेरे इल्म में नहीं है कि एक और सवाल साहब ने किया है कि इन वर्चुअल साइंसेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ए सब साइंस, देयर इज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर। क्वेश्चन अराइजेस, डज अल्लाह सुभान व तआला यूज द वर्चुअल साइंस फॉर नज़ूल कुरान शरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही किसी नशिस्त में वही से मुतालिक गुफ्तगू हमारी हो रही थी, तो मैंने चीज अर्ज ये की थी कि हदीस वही के अंदर तीन चीजें आती, एक तो वो जो मालिक कुल है और जिसका पैगाम है वो भेजने वाला है, और अल्लाह का एक पैगंबर है जो उस पैगाम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया है, वो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो कैरियर है, मैसेंजर है, डिस्पैच राइडर है, और एड्रेसी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर जो मीडियम इस्तेमाल होता है अल्लाह ताला जो मीडियम यूज करता है वो है फरिश्ता, उसकी परवाज रोशनी की परवाज से कई सौ गुना ज्यादा है। बदकिस्मती से मुझे इस वक्त फिगर भूल रही है, याद आ गई तो किसी मौके पर अर्ज कर दूंगा। आज से कोई 6 साल पहले एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि आज तक तो हम यही समझते थे कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, लेकिन मालूम ये हुआ कि जो नया तजर्बा कामयाब हुआ उसमें रफ्तार रोशनी की रफ्तार से बहुत ज्यादा थी। वो फिगर मैं भूल गया हूँ कि कितने गुना थी, 50 गुना थी या
50 लाख गुना थी, लेकिन रफ्तार बेपनाह तेज थी। तो वो मुझे बात यूं याद रही कि वो एक्सपेरिमेंट का जब मैंने पढ़ा, उसकी डिटेल पढ़ी, तो कुछ साहब मेरे पास तशरीफ रखे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो मेराज वाकया मेराज शरीफ है, इसमें खुद मुसलमानों के यहाँ भी एक सेक्शन ऐसा है और कुफार तो हैं ही हैं जो इतराज़ करते हैं कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि इतना लंबा थोड़ा सफ़र चंद सेकंड्स में तय हो जाए, वापस भी तशरीफ ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुंडी हिलती हुई पाई जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आप भी साइंस को मानने वाले हैं, इन चीज़ों के मुखालिफ हैं, ये लगता ये है कि आपकी साइंस प्रूफ लगी है करने के मेराज शरीफ का जो वाकया हम कहते हैं, हमारे नज़दीक तो बरहक है, लेकिन आप लोग उस पर सवाल उठाते हैं, तो आपकी साइंस ही उसे प्रूव कर देगी कि नहीं ये मुमकिन था। तो फरिश्ता उस रफ्तार पर सफर करता है जो रोशनी की रफ्तार से कई हजार गुना है, जबकि जो मैसेज हम भेज रहे हैं ये मैसेज की तरसील दो तरीके से होगी। अगर तो ये वायरलेस है जिसमें तार इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर वो मैसेज ईथर की लहरों पर सफर करेगा, जो फिजा है इसमें एक केमिकल सब्सटेंस के लिए वो मौजूद है, इसको हम ईथर कहते हैं। तो रेडियाई लहरें वो उस ईथर पर सफर करती हैं, जो रेडियो ट्रांसमिशन हम तक पहुंच रही है वो भी ईथर पर है, वायरलेस पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ट्रांसमीटर्स पर वो भी ईथर पर सफर करती है, जो माइक्रोवेव सिस्टम है टेलीफोन का उसमें भी लहरें ईथर ही पर सफर कर रही हैं। लेकिन उसकी रफ्तार फरिश्ते की रफ्तार के मुकाबले पर बहुत कम है। तो दोनों ही सूरतों में मैसेज एक सेंडर ने भेजा है और रसीव करने वाला रसीवर कहलाता है। इख्तलाफ या फर्क सिर्फ सेंडर मीडियम पर है कि मैसेज ने सफर किस चीज पर किया, अदरवाइज सिस्टम एक ही है दोनों का। इंसान कहता तो है कि मैंने ये चीज ईजाद की, मैंने ये चीज ईजाद की, दर हकीकत वो ईजाद नहीं कर रहा होता, वो कॉपी कर रहा होता है। इसीलिए रब ताला ने गौर फिक्र पर जोर दिया कि तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते। तो जो जो कोई गौर फिक्र करता है किसी चीज पर, तो उस पर उकदे खुलने लगते हैं, और चीज़ों का अहवाल जब खुलता है तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं और इन्वेंटर कहलाते हैं कि हमने इन्वेंट किया। आज इंसान बहुत फख्र करता है हवाई जहाज पर, लेकिन आप किसी हवाई जहाज के सिस्टम को स्टडी करें तो पता ही लगता है कि जितने भी हवाई जहाज डिजाइन किए गए वो सब के सब परिंदों को उड़ते हुए देख के उनको स्टडी करने के बाद उनके परों का डिजाइन जो है विंग्स जहाज के, वो परिंदों के विंग्स के डिजाइन पर है। वो डिपेंड करता है कि जहाज के इस्तेमाल क्या है, कि उसे एज कार्गो प्लेन अगर यूज करना है,
पैसेंजर लाइनर के तौर पर यूज होना है, या जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होना है, तो उसके विंग्स उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। इंसान तो सिर्फ गौर फिक्र करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचता है, दरअसल वो नतीजा ये होता है कि काम यूं हो रहा है उसको कॉपी करता है और वो इन्वेंशन कहलाती है। तो ईमेल का निजाम भी कोई नया नहीं है। इन दोनों में ये मुमासलत है, फर्क ये है कि एक को हम मजहबी तरीके से बयान करते हैं और दूसरे को हम साइंसी तरीके से बयान कर देते हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का एक है। मास वाइज के ये कैरियर मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक तो इथर की लहरें उठा के ले जाती हैं और दूसरा फरिश्ता उठा के ले आता है, इतना ही फर्क है। एक और सवाल है कि खुदा कुवत वाहिद है जो कादर मुतलिक है, हर चीज का खालिक है, इसका अदराक इंसानी जहन से मुमकिन है कि नहीं? क्योंकि कुरान में बार बार अकल वालों के लिए निशानियां और गौर फिक्र के लिए कहा गया है। मेहरबानी करके तफसील से बयान कर दीजिए। रब ताला की अपनी जात इतनी बड़ी है और उसका कारखाना इतना वसी है कि इंसानी अक्ल वहां तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन ये कहने से मतलब ये नहीं है कि हम उस पर गौर व फिक्र छोड़ दें। जैसे सवाल करने वाले साहब ने खुद ही फरमाया है कि अल्लाह ताला दावत देता है इंसान को गौर व फिक्र की। अलबत्ता ये जरूर है कि जब तक हमारी अकल पॉलिश नहीं होती, हमारा इल्म आगे नहीं गया होता, तो हम कुदरत का एक बड़ा मामूली सा हिस्सा देख पा रहे होते हैं। बाकी चीजें हमारी आंख से, हमारे जहन से ओझल होती हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि हॉल है 500 फुट लंबा, 100 फुट चौड़ा, उसमें बेशुमार दरवाजे हैं। अगर एक दरवाजा कोई हमारे लिए खोल दे या हम उसे खुद खोल लें और उसके पास लगे हुए बल्ब का स्विच ऑन कर दें, हॉल में टोटल अंधेरा है, तो जहां का बल्ब हमने रोशन किया दरवाजा नंबर 1 के करीब का, तो उस बल्ब के दायरे रोशनी में पड़ी हुई चीजें हमारे इल्म में आ जाएंगी। हम उन्हें देख पाएंगे कि यहाँ फला चीज पड़ी है, ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, और इतने हिस्से का फर्श कैसा है, उसकी दीवारें कैसी हैं। बाकी अंधेरा होगा, वहां हमें कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम किसी वजह से अपने असर रसूख से दूसरा दरवाजा भी खोल पाए और उसके करीब लगे हुए स्विच को ऑन करके वो बल्ब रोशन कर ले, तो उसका 50 फुट का एरिया हमारे इल्म में आ गया, पहला और ये दूसरा मिला के। तो हमें ये पता चल गया कि 500 फुट लंबे हॉल में सिर्फ 50 फुट के एरिया में ये ये ये, ये पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी सब ओझल रहेगा हमसे। तो जब हम उसके जिक्र करेंगे तो हम ये बता नहीं सकते इस हॉल के अंदर क्या क्या है। हम सिर्फ उतना बता पाएंगे जितना उस रोशनी में हमने देखा। इसी तरह तीसरा दरवाजा खोल लें, चौथा खोल लें, 100 फुट तक हम आखिरी दरवाजे तक जब पहुंचेंगे,
तो जब हम आखिरी दरवाजे के करीब लगा हुआ बल्ब भी रोशन कर लेंगे तो फिर हमें पूरे हॉल का वो पता चलेगा। तो हमारी अकल चूंकि लिमिटेड है, इल्म भी हमारा महदूद है, होता यह है कि हम उस महदूद अकल और इल्म के जरिए जब अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के कारखाने कुदरत का मुशाहिदा करते हैं तो एक बहुत मामूली सा हिस्सा हमारे सामने आता है जो लोग ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमतें की हैं, वो उतने थोड़े से हिस्से को देख के ये नहीं समझते कि बस हमने सब कुछ देख लिया, बल्कि वो महमीज का काम करता है। जैसे घोड़े को एड़ हम लगाते हैं कि घोड़ा तेज दौड़े, तो ये एड़ लगती है उस आदमी को, तो वो उसको आगे देखना चाहता है, तो पहले पे गौर फिक्र करता है तो दूसरे तक जा पहुंचता है, वो जीने का काम करेगा फिर। तो यूं रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला के एक बड़े हिस्से का मुशाहदा भी कर लेती हैं लोग, लेकिन फिर उम्र वफा नहीं करती कि वक्त खत्म हो जाता है और चले जाते हैं दुनिया से। तो यूं आज तक कोई अल्लाह के टोटल कारखाना है कुदरत का मुशाहदा कर नहीं पाया कि उम्र बहुत थोड़ी है हमारी उसके लिए। लेकिन अगर हम निशानियां पहचानने लगे रब ताला की, वहीं से इंसान पहचान जाएगा कि रब कितना बड़ा है। ज्यादा दूर ना जाइए, हम इंसान की तखलीक के अमल को देख लें, गंदे पानी के एक कतरे से इंसान की तखलीक होती है। अब उस पानी के एक कतरे का लहू में तब्दील होना, उस लहू का लोथड़े में तब्दील होना और उस गोश्त के लोथड़े के अंदर खदोखाल उभरने, कोई इसकी तौजीह तो बयान करके दिखा दे। सिर्फ एक मामूली सा काम है, वो वाकया जो खुद हमारे साथ पेश आया है, हम सब की तखलीक ऐसी हुई है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रब ताला करता है। अगर हम एक आंख बनाना चाहें इंसान की, हम बना नहीं पाएंगे, तो कभी उस तरह काम नहीं करेगी जैसी नेचुरल आंख, जबकि इसकी रब ताला ने तखलीक एक मामूली से कतरे से की है, उसी से हर चीज डेवलप हुई है। तो ये निशानियां हैं, इस तरह हम रब ताला की कुदरत, उसकी कायनात की वसत, उसके अख्तियारात की वसत, उसका एक हल्का सा आइडिया ले सकते हैं। सही अदराक तो नहीं होगा, लेकिन हल्का सा आइडिया जरूर मिल जाएगा कि रब ताला क्या है। एक और सवाल है कि कहा जाता है कि चूंकि अल्लाह ताला का हर इस्म हर वक्त फाल है, इसलिए उसके इस्म याहियो और या मुमीतो की वजह से कायनात हर लम्हा फना होकर असर नम वजूद में आ रही है, लेकिन अदम और वजूद का ये दरमियानी वक्फा इस कदर कलील है कि अहले बसीरत के सिवा किसी को महसूस नहीं होता।
क्या इस रवायत में कोई हकीकत है, और अगर ये हकीकत है तो अज़रा करम इसकी मजीद वजाहत कर दी है। ये रवायत दुरुस्त है और इसकी वजाहत में ये कहा जा सकता है कि हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, हर चीज मुख्तलिफ सेल्स पर मबनी है, जरात पे। ये पैदा होती हैं और कुछ अरसे के बाद अपना अपना फंक्शन करके मर जाती हैं। ये इतने लंबे चक्कर में जाने के बजाय कि अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक के हवाले से हम पहचाने, उससे ज्यादा सीधा काम कुरान में है। अल्लाह ताला ने कहा कि हर चीज को लौट के अपने रब के पास जाना है। जो चीज भी दुनिया में आई है उसको मौत जरूर आएगी, फर्क यह है कि वो अपने अपने वक्त पर अपना काम पूरा करके मरते रहती हैं और दूसरी चीजें पैदा होती रहती हैं। जब से ये दुनिया वजूद में आई है यही साइकिल चल रहा है, सेल्स तबाह होते रहती हैं, नए उनकी जगह आते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इंसानी स्किन की है। इसकी स्किन की सेल्स मरते रहती हैं, मुर्दा होते रहती हैं और वो झड़ते रहते हैं, उनके नए सेल वजूद में आते रहते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते, उसका अदराक भी नहीं हो पाता। बड़ी सिंपल बात, क्योंकि वो छोटी बात, छोटी चीज है, इसलिए उनकी जिंदगी भी कम है। वो अपनी ड्यूटी बड़ी जल्दी मुकम्मल करके फरा हो जाते हैं, नए सेल आ जाते हैं उनकी जगह। इंसान पैदा होता है, दुनिया में आता है, अपनी ड्यूटी निभाता है, अपना फंक्शन पूरा करता है जिसके लिए उसे पैदा किया गया, और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। पहाड़ कई सौ सदियों में जन्म लेते हैं और कई सौ सदियों में तबाह होते हैं, तबाह होते जरूर हैं, पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं अपने वक्त में, उनके लिए नए पहाड़ पैदा होते हैं। दरख्त हैं, दरख्त के पत्ते हैं, तो ये एक जिंदगी और मौत का सिलसिला जारी है। तो ये जो भी रवायत है ये बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह का निजाम है, इंशाल्लाह होता है। जिंदगी मुलाकात होगी।